इस बार आप मेरे को चांस दिए तो मेरा दो ही एजेंडा है सब आपके आपके हमको होना है। आगे आपका बच्चा अच्छा पढ़ना, स्कॉलरशिप बढ़ना, कंपनी में काम करना, ये काम कतई नहीं करना बोले तो मेरे को वोट करिए, आपका बच्चा कंपनी में काम करेगा। मेरा नाम याद रखो 100%। और पूरे 32 वार्ड में जितने भी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम एससी कौन भी हिंदू, सबको लेके चलूंगा मैं, ये मेरा वादा है। चंदू पाटिल साहब को भी जीता है तो हमारे कुछ जो भी पिछले काम बचे हुए हैं वो पूरे हो जाते हैं। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga. For development, for employment, sir. लोग दूसरे चीज पे वोट मांग रहे, हम तो employment और development में कर रहे। बगैर एक MLA रेशो 100 crore fund लाके काम कराऊं। एक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनाए हूँ सर शेख रोजा में, जो अब हमारी माँ बहन डिलीवरी के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल की आनी जरूरी नहीं है, उनके बच्चे और उनका इलाज वहीं हो सकता। तो आपका भाई बगैर MLA इतना काम कर सकता है, बोले एक बार चांस दिए तो कितना कर सकता हूँ, एक चांस दीजिए सर। मैं कंटेस्ट कर रहा था सर, कुछ कारण मेरे को आप वोट नहीं डाले, इस बार एक मौका दीजिए सर। आई एम ओनली आस्किंग वोट ऑन द नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट सर। मैं करूँगा सर, सबको साथ लेके चलूँगा, आपको कभी एक कंप्लेंट नहीं आने दूंगा और नाराज भी नहीं करूँगा आप लोगों को, सबको लेके चलूंगा सर। MLA नहीं रहते हो भी सर, 100 crore रुपए का फंड ला के काम कराऊं, एक गवर्नमेंट एक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनाया सर, सबको मालूम है। मेरे लेटर पैड में येडियुरप्पा साहब करे तो वहाँ हमारे शेख रोजा में और शाह बाजार के में जो मेरी बहन और उनके बच्चे हैं, उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं आना 5-6 किलोमीटर हो रहा बोल के वहाँ करके दिया हूँ, तो एक एग्जाम्पल दिखाया हूँ सर। लोग MLA बन के काम करके दिखाते, हार के दिखाए हम, एक बार चांस दिए तो डेवलपमेंट करूंगा, सबको लेके चलूंगा सर, पूरे हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी को एक भी कंप्लेंट नहीं आई जैसा देखूंगा सर। एक रिक्वेस्ट, एक अपील है सर, ट्राई टू कंसिस्ट सर, फैन है साहब आपके। अरे सर थैंक यू वेरी मच सर, आपको रिक्वेस्ट करने आया हूँ, मेरे को एक चांस दीजिए। ये जो बगैर MLA रहे से टाइम को आपका अगरगो का जो गटर का नाली का प्रॉब्लम था सॉल्व किया हूँ, ऑलरेडी बगैर एक MLA रह के मैं आपका सर्विस रोड चालू कर रहा हूँ। आप लोग के लिए यहाँ एक स्काई वॉक चाहिए एंड एक फ्लाई ओवर चाहिए, उसके लिए मैं काम करता हूँ। लोगों को कुछ भी गलत फहमी मत रहिए, आपका भाई है आपके साथ, पूरा कम्युनिटी हिंदू मुस्लिम को लेके चलूंगा, पूरे 32 वार्ड को अभिवृद्धि करूंगा एंड पूरे 72 उत्तर छात्र हिंदू मुस्लिम के लिए जॉब के लिए, उनके पैसे कमाने के लिए, नौकरी के लिए मैं दिन रात करूंगा बोल के मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे। एक मौका देना है, काम करेंगे आपके लिए। कैसे है सर, हाउ आर यू सर? सब डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको एक चांस मिलता है। आपके हमारा अपील रखने के लिए मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बन के आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार हमारे को मौका दिए वोट फॉर चेंज बोल के मेरे को एक चांस दीजिए। मैं 100% मेरे पूरे उत्तर मत क्षेत्र के मतदार को लेके चलूंगा, पूरा 32 वार्ड को डेवलपमेंट करूंगा, पूरे हिंदू मुस्लिम को मेरे साथ लेके चलूंगा। माय ओनली एजेंडा इज डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, तो वो दिस ये दो पॉइंट पे एक बार भरोसा करके चांस दीजिए। नमस्ते साहब, चंदू पाटिल के MLA कैंडिडेट ठहरा हूँ, एक रिक्वेस्ट करने आया आपको, एक मौका एक चांस दीजिए हमें भी, फॉर डेवलपमेंट एंड फॉर एम्प्लॉयमेंट, दो ही चीज़ पे, दूसरा बाकी चीज़ ये मत करिए, सबको साथ लेके चलूंगा बोल के एक रिक्वेस्ट है। आपके बच्चे क्या करते हैं? अभी पढ़ते हैं बच्चे। हाँ अभी बच्चे पढ़ते हैं ना, तो आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरे को एक चांस दो, मेरे को एक बार MLA बनाओ, आपका बच्चा ये काम नहीं करना चाहिए, आपका बच्चा कंपनी में काम करना चाहिए, उसके लिए हमारे को जिताओ तुम, हम आपके बच्चे को एम्प्लॉयमेंट करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप गलत पार्टी को चुन के वो लोग किस पे ऊपर चुनते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आपको वोट डालो, कास्ट पे बोलते हैं। मैं पूरे हिंदू मुस्लिम भाई बहन को लेकर चलूंगा, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे को वोट दो, आपका बेटा केला नहीं बेचेगा, वो कंपनी में काम करेगा, मैं दिखा कर बताता हूँ आपको। ओके।
राइट, कैसा है सब तबीयत? कैसा खाता था? सर इधर आओ सर, अच्छे तरीके से मकसद। एक रिक्वेस्ट है, डेमोक्रेसी में सबको एक अपॉर्चुनिटी देना, सबको एक चांस देना। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे को एक चांस दीजिए। मैं आपको जो आप मेरे को एक चांस देंगे उसके ऊपर मैं 100% आई विल डू राइट्स टू दैट। जो बोले वो करे तो वही सही होता है। 100% बिल्कुल सही, 100% एंड साहब मैं बोलता हूँ पूरा 32 वार्ड जो है सबका डेवलपमेंट करूंगा, पूरे मेरे हिंदू मुस्लिम भाई और बहन के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। अच्छा ही करेगा। यस सर, ठीक है, एक बार सोचिए सर। यस सर, एक मौका दीजिए सर, प्लीज सर। थैंक यू सर। आपका एज क्या है? शादी हो गया? आपका बच्चे है? मैं क्या कहना चाहता हूँ, लोग आपको दूसरे दूसरे चीज से वोट मांगेंगे आपको। मैं आपको कौन से एजेंडा पे वोट मांग रहा हूँ बोले तो, आगे आपका बच्चा अच्छा पढ़ना, स्कॉलरशिप बढ़ना, कंपनी में काम करना, ये काम कतई नहीं करना बोले तो मेरे को वोट करिए, आपका बच्चा कंपनी में काम करेगा। मेरा नाम याद रखो 100%। और पूरे 32 वार्ड में जितने भी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम एससी कौन भी रहो, सबको लेके चलूंगा मैं, ये मेरा वादा है। MLA इलेक्शन के लिए खड़ा हूँ, मुझे एक चांस दीजिए। आप एक चांस दिए तो मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करूंगा, आप सभी का भरोसा जीतूंगा। एक चांस दीजिए मुझे, 25 साल से कांग्रेस को चांस दियो, एक बार मेरे को भी देखिए बोल के रिक्वेस्ट है सर, प्लीज सर एक चांस दीजिए हमारे को। आपके बच्चे क्या करते हैं सर? ये मैं करें कहा जॉब में है क्या? अभी पढ़ रहा है सर, पढ़ रहा है ना सर। हमारे कलबुर्गी में सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टेक्सटाइल पार्क दिए है, वो टेक्सटाइल पार्क में आर्टिकल 371 में आपके बच्चे को मेरे साथ जुड़ो, बोलो मैं उनको वहाँ नौकरी मिलने के लिए क्या क्या ट्रेनिंग देना है, क्या क्या तैयारी करना है, मैं उसके साथ रहूँगा, उसके साथ खड़ा होऊंगा। तो आप मेरे कांटेक्ट में रहिए, आप वोट डालिए, वोट नहीं डाले तो भी मेरे साथ मेरे पास भेजो आपके बच्चे को, मैं उसको ट्रेन करके वहाँ हेल्प करूँगा कि कैसे जॉब दे। आपके कॉलेज तक हमारे भाई के साथ सर, थैंक यू वेरी मच। एक रिक्वेस्ट थी, एक हमें भी एक चांस दीजिए। लास्ट टाइम भी खड़ा हुआ था मैं, बट मेरे को चांस नहीं मिला। डेमोक्रेसी में सबको एक चांस मिलो, मेरे को एक चांस दिए तो मैं ओनली डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पे काम करूंगा और पूरे कम्युनिटी को, पूरे 32 वार्ड लोगों को साथ लेके चलूंगा, उतना गारंटी देता हूँ। शॉप का क्वालिटी की और टेस्ट के बारे में बहुत फेमस है, वो खुशी होता है। कभी कभी हमारे रब साहब, हमारे दोस्त आपके पास से लेकर आके खिलाते रहते हमारे को। एक रिक्वेस्ट थी, MLA इलेक्शन के लिए खड़ा हूँ, लास्ट टाइम भी खड़ा था, एक चांस दीजिए मुझे। मैं चांस किसके लिए मांग रहा हूँ बोले तो, फॉर डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। दूसरे लोग दूसरे चीज़ के ऊपर वोट मांग रहे हैं, मैं काम इसलिए मांग रहा हूँ। एक भरोसा देना चाहता हूँ आपको, सबको साथ लेके चलूँगा, पूरे कम्युनिटी को साथ लेके चलूँगा, पूरे 32 वार्ड है, 32 वार्ड का डेवलपमेंट करके दिखाऊंगा आपको। आप हर टाइम कांग्रेस को वोट दिए तो है, आपको हर टाइम आप कांग्रेस को वोट दिए मुझे भी मालूम है, बट मेरे को आपके ऊपर प्रॉब्लम नहीं है। इस बार आप मेरे को चांसमेंट करेंगे सर, आप बैठ के घर में सोचिए सर, आपके फैमिली के साथ बैठ के, वो लोग किस चीज़ पे वोट मांग रहे हैं, वो लोग इस चीज़ पे वोट मांग रहे हैं, चंदू पाटिल ऐसा करेगा, चंदू पाटिल पैसा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। यस सर, क्योंकि उनके पास कुछ भी एजेंडा नहीं बचा है, इलेक्शन के लिए कुछ भी बात नहीं है, सिर्फ उनका काम है आप लोग को डराना, आप लोग को कन्फ्यूज कराना। चील उड़ी तो भैंस उड़ी का काम कर रहे हैं वो लोग घर में बैठ के मोबाइल पे इलेक्शन लड़ रहे हो लोग। हम ग्राउंड में है, आपको एक वादा दिलाता हूँ, मैं सिर्फ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट दो चीज़ के लिए करूँगा। एक रिक्वेस्ट है मेरे, आपके भाई के नाते बोलता हूँ, आप जो काम कर रहे हैं आपका बेटा काम नहीं कर रहा, मेरा वो एक ही ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश के लिए एक बार सपोर्ट करके देखो मैं रहूँगा। ये हमारे सपना ग्रुप की तरफ से सर। हाँ सर, ओके सर। यस सर, सर मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ सर। लास्ट टाइम भी मैं खड़ा हुआ था सर, लास्ट टाइम आप मुझे वोट नहीं दिए, मैं उसके लिए कुछ भी नाराज़ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, खुश हूँ मैं, नो प्रॉब्लम, आप नहीं दिए। इस बार आप क्यों देना बोलना चाहता हूँ? हमारे कांग्रेस वाले क्या काम कर रहे सर, कुछ तो एक तो काम बताइए, आप एक अच्छा काम करें बोल के।
मैं आपके लिए हागरा के रोड के लिए बगैर जब एमएलए था, मैं लड़के एलएनटी के साथ गवर्नमेंट के साथ बोल के आपको वो जो नाली का प्रॉब्लम समस्या चल रहा था, कितना प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिया। ऑलरेडी मैं हमारे गवर्नमेंट से बगैर एक एमएलए रहे सो मेरे लेटर पैड में मैं सैंक्शन कराया हूँ अड़ंद रोड से, जो सर्विस रोड है अड़ंद रोड से खरगे पेट्रोल पंप तक, तो उसमें पूरा आपका भी आ गया। एक बार सर्विस रोड चालू हो गया बोले तो आपको इजी हो जाएगा। और उसके बाद क्या चाहिए हमारे को, हागरगा रोड क्रॉस से जाना, ऊपर से स्काईवॉक बनाना है। स्काईवॉक बनाए तो नीचे लोग जो चल रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ऊपर से उठेंगे उसकी वो कराऊंगा और करा चुका हूं ऑलरेडी। फ्लाईओवर का अगर आप लोग बेटे को भरोसा करके करे बोले तो, एमएलए बना बोले तो, वो फ्लाईओवर 100% बनेगा आपके ऊपर। हाँ सर, और वो लोग सर कांग्रेस वाले आप देखिए, सबको मालूम है सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप ही के लोग बोल रहे हैं। अगर मैं बोलता बोले तो कुछ बोल सकते हैं। क्या बोल रहे हैं वो लोग, हमारे साथ इस बार हम नहीं करेंगे कांग्रेस को। क्यों बोले तो, सिर्फ मैडम बहुत अच्छे है, मैं भी बहुत इज्जत करता हूँ वो फैमिली का, कमर साहब बहुत क्लोज थे हमारे फैमिली को, मैडम को मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ। उनके साथ जो 10 चोर लोग जो लूट कर रहे सर, जो लूट मार करे कॉरपोरेशन में, हर काम में, हर टेंडर में, कितना लो क्वालिटी काम करके लूट रहे, आप लोग को पूछना चाहता हूँ आवाम को, आप लोग देख रहे जो उनके साथ है जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, पहले कैसे थे, टू व्हीलर में फिरते थे, ऑटो में आते थे खमर साहब घर को, आज साइकिल ने सीने था, अब उनके पास कहां से गाड़ी आ रहे, कैसे कैसे होटल में ठहर रहे, हैदराबाद में कहां कहां टूर जा रहे, वो लोगों को गरीब कर रहे, उन लोग अमीर हो रहे, ये कहां कहां नहीं है सर, ये कहां कहां नहीं है। एक बार आपके भाई को चांस देखो तो देखो आप सबको साथ लेकर चलूंगा। मेरा दो ही एजेंडा है, उनका एजेंडा क्या है, चंदू पाटिल ऐसा करेगा, क्या करेंगे जी, कौन क्या कर सकता, सबको लेके चलना है। लेके चले तो आवाम छोड़ता, नहीं तो कौन किसको छोड़ता है इधर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एक चांस है, एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट होना है तो ठीक है। 25 ईयर से कांग्रेस को आप जिताते हैं, मैं कुछ भी नाराज नहीं हूँ, मैं एमएलए नहीं हूँ, शेख रोजा में हमारे वो एरिया के शेख रोजा और शाह बाजार में पूरे हिंदू मुस्लिम औरत रहते, डिलीवरी के लिए वो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल आना पड़ता था, 5 किलोमीटर है रास्ता। मैं क्या करा आपका बेटा, वहीं जगह ढूंढ कर 24 करोड़ रुपीज में मदर एंड चाइल्ड पीडियाट्रिशियन हॉस्पिटल बनाया हूं मैं। ओपनिंग होना था बट कोड ऑफ कंडक्ट लिए नहीं हुआ, किसको फायदा हो गया, मेरे हिंदू मुस्लिम को कोई फायदा हो गया, आवाम का फायदा है। तो अगर मैं एमएलए नहीं बना, एक हॉस्पिटल बना सकता हूं बोले तो, आप सोचे आपका भाई आपका बेटा बनने के बाद क्या क्या लेकर आऊंगा मैं गुलबर्गा के लिए, क्योंकि हमारा एजेंडा है, मेरे को क्या, पूरा आवाम को मालूम है, हमारे को पैसा खाना नहीं है, खिलाना नहीं है, काम करना है। एक बात बोलता हूं सर, आप लोग बुजुर्ग लोग इतने प्यार से मेरे को एक्सेप्ट करके शाल डाले, हार डाले, आपका ये इज्जत जो दी है कभी नहीं भूलूंगा, आपको वादा करता हूँ सबके लेकर चलूंगा। एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट, 32 वार्ड आते हैं हमारे, पूरे 32 वार्ड में जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए मैं काम करूंगा, डेवलपमेंट करूंगा, एम्प्लॉयमेंट करूंगा, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास करूंगा। और सर, और ये भाषण नहीं है, ये भाषण नहीं, हकीकत है, मेरा एक कैरेक्टर है, जो कमिटमेंट करता वो करके दिखाता हूँ, पीछे हटने वाले से नहीं हूँ, डरने वाले में से नहीं हूँ, आपके लिए किधर भी आके बोलो भाई बेटा यहाँ आवाज उठाओ हमारे लिए, मैं ठहर के आवाज उठाऊंगा आपके। चंदू पाटिल साहब को भी जीता है तो हमारे कुछ जो भी पिछले काम बचे हुए हैं वो पूरे हो जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, शुक्रिया सर।